रेडी। असली सांभर का टेस्ट तभी आता है जब आप घर में सांभर मसाला बनाते हो। ये देखिए, पहले हमने डाल दिया धनिया, फिर राई यानी कि मस्टर्ड सीड, सरसों का दाना, फिर साबुत जीरा, फिर डालेंगे मेथी, फिर डालेंगे उड़द की दाल, बंगाली में कलाई की दाल, चने की दाल, और करी पत्ता और हींग लगभग आधा छोटी चम्मच करूँगा, इसलिए थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगा यहाँ पे। अब इसको अच्छी तरीके से रोस्ट करना पड़ेगा। अब मैं इसमें डालूंगा थोड़ा सा काली मिर्च, हल्दी, मसाला लगभग रोस्ट हो गया। अब इसको पाउडर बना लेंगे ग्राइंडर में ठंडा करने के बाद। एक कटोरी से थोड़ा कम तूर का दाल यानी कि अरहर का दाल डालेंगे इसके अंदर। मतलब घर में जितना लोग है उस हिसाब से दाल बनाइएगा, पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा, दाल से ज़्यादा पानी, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और थोड़ा सा सॉल्ट। इसको तेल, मस्टर्ड सीड्स, हींग, करी का पत्ता, थोड़ा सा मेथी, चने का दाल। अब इसमें डालेंगे प्याज, अब एक के बाद एक सब्जियां डालते रहेंगे, ड्रम स्टिक, पपीता, भिंडी, और आखिर में बैंगन। आप कद्दू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी सब्ज़ी आप डाल सकते हो, बीन्स भी दे सकते हो, गाजर भी दे सकते हो। फिलहाल मेरे पास इतना सब कुछ है। डालेंगे टमाटर,
चॉप्ड किया हुआ टमाटर, नमक, वाओ साउथ इंडिया की खुशबू, आहा खतरनाक। सब्जी गलना शुरू हो गया, अब इसके अंदर डालेंगे इमली को मैंने भिगो के रख दिया था, उससे जो एक्सट्रैक्ट था वो निकाल लिया, पानी डाल देंगे। और अब डालेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने पहले बनाया, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है सांभर मसाला, होममेड। मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए सांभर मसाला, अब इसको डालेंगे इसके ऊपर लगभग 2 चम्मच। जो अरहर का दाल व तूर का दाल जो पकाया था उसको ऐड करेंगे, लेकिन देने से पहले थोड़ा दाल को दरदरा बना लेंगे ताकि अच्छा टेक्सचर आ जाए। ये देखिए, तो अब दाल को डालते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए ढक देंगे लो आंच पे, ताकि ये अच्छी तरीके से पकते रहे, क्योंकि सब्ज़ी भी गलेगा और दाल भी, पानी भी थोड़ा सूखेगा तो गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा पानी डाल दिया। और इसको पकने देते हैं। बताऊँ मैं, पूरा घर एकदम खुशबू से, मतलब 1-2 किलोमीटर तक खुशबू चला गया होगा, इतना बेहतरीन बना है, खतरनाक। अब ये होता है एक्चुअल सांभर का कलर, लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना चाहते हो तो इसके अंदर आप थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, ये थोड़ा सा रेडिश कलर आ जाएगा सांभर में। सांभर रेडी हो चुका है, अब एक आखिरी काम बाकी रह गया है इसका, वो अभी करेंगे। मस्टर्ड सीड्स, हींग और कारी पत्ता, इसका छोक लगाएंगे, इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ये देखिए ऐसे ही होना चाहिए सांभर, ना पतला ना गाढ़ा, एकदम परफेक्ट। तो आज का रेसिपी अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो बनता ही है बॉस। थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं, यम्मी। चिकुदा तुम्ही सेरा।